नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज टाइम में और आप नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो कि बिल्कुल मुफ्त है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप का 11वें मैच में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने हैं। भारत की महिला टीम की कप्तान मिताली अपना 5वां वर्ल्ड कप खेल रही हैं। 34 साल की मिताली पिछले 12 साल से टीम इंडिया की कप्तान हैं। मिताली का जन्म एक तमिल परिवार में हुआ था, इसके चलते उन्होंने बचपन में ही क्लासिकल डांस सीखना शुरू कर दिया। 10 साल की उम्र तक मिताली भरतनाट्यम में पारंगत हो गई थी। वे इसी में करियर बनाने के बारे में सोचने लगी थी। मिताली बचपन से आलसी थी, पिता चाहते थे कि बेटी एक्टर बने, इसलिए उन्होंने उसे क्रिकेट खेलने को कहा। 10 साल की उम्र में मिताली क्लासिकल डांस छोड़ हाथ में बैट पकड़े मैदान में नजर आने लगी थी। दरअसल उनकी डांस टीचर ने मिताली को क्रिकेट और डांस में से एक चुनने की सलाह दी थी। मिताली की माँ क्रिकेट खेल चुके हैं, उनके माता पिता ने उन्हें काफी सपोर्ट किया। मिताली की मां ने उनके लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। स्कूल में मिताली लड़कों के साथ क्रिकेट की प्रैक्टिस करती। 17 साल की उम्र में मिताली का चयन भारतीय टीम में हो गया। एक इंटरव्यू में मिताली ने बताया था कि वह कुछ सालों पहले तक रिलेशनशिप में थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद वह अब क्रिकेट में फोकस करना चाहती है। मिताली के मुताबिक, शुरुआत में मैंने सिर्फ पेरेंट्स की खुशी के लिए क्रिकेट खेलना शुरू किया था। मेरा पहला प्यार तो भरतनाट्यम ही था। एक बार मैंने सिविल सर्विस में भी करियर बनाने का सोचा। मिताली पहली महिला क्रिकेटर हैं जिन्हें विजडन इंडिया क्रिकेट अवार्ड मिला है। उन्हें 21 साल की उम्र में भारतीय टीम की कमान सौंप दी गई थी। मिताली का नाम अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट में सबसे बड़े हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड है। उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ 214 रन की पारी खेली थी। मिताली किताबें पढ़ने की शौकीन हैं। वे हर मैच में बैटिंग करने जाने से पहले किताब पढ़ते हुए अपनी बारी का इंतजार करती हैं। उन्हें हाल ही में वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में भी ऐसा करते हुए देखा गया। मिताली 5,500 रन बनाने वाली दूसरी महिला क्रिकेटर हैं। वे 2013 में दुनिया की नंबर 1 वनडे क्रिकेटर थी। मिताली को खेल में अच्छे प्रदर्शन के लिए भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। 2005 में जब भारतीय टीम वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, उस समय मिताली टाइफाइड के कारण फाइनल नहीं खेल सकी थी। टीम मैच हार गई थी, इसके बाद टीम कभी फाइनल में जगह नहीं बना सकी है।